Lincoln. लेकिन एक बात याद रखिए सर, कि अगर देश को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आई विल ऑलवेज रेडी। Dragon always ready. पृथ्वी फिल्म का हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को रिलीज होने में बस अब कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। ना ही मेकर्स की तरफ से फिल्म का कोई टीजर रिलीज किया गया है, और पहले तो कहा जा रहा था कि फिल्म का टीजर हमें 15 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस दिन भी मेकर्स की तरफ से टाइगर 3 को लेकर कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। और आपको बता दें कि टाइगर 3 फिल्म YRF प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, और YRF प्रोडक्शन हाउस को इसीलिए ही जाना जाता है कि वो अपनी सभी फिल्मों की अपडेट अचानक से देता है। इसलिए किसी को नहीं पता कि टाइगर 3 फिल्म का टीजर कब तक देखने को मिल जाएगा। और सुनने को मिल रहा है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में फिल्म का कोई ना कोई टीजर या पोस्टर तो जरूर आएगा। अब बस कुछ दिनों का इंतजार और है, इसके बाद हमें फिल्म का टीजर या पोस्ट देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ ही फिल्म को लेकर हमें और भी कई बड़ी अपडेट सुनने को मिल जाएंगी। वहीं बात करें टाइगर 3 फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म में लीड रोल में सलमान खान देखने को मिलेंगे। वहीं इनके साथ फिल्म में हमें कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी देखने को मिलेंगे। सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि फिल्म में इमरान हाशमी का रोल विलन का होने वाला है, पर इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इन सब के अलावा फिल्म में हमें शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर में से एक मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। टाइगर 3 फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि सभी लोग इस फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान की पिछली कई फिल्में भी फ्लॉप रही है, इसलिए सभी लोग इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सलमान खान और उनके फैंस को इस फिल्म से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। इस फिल्म के दोनों पार्ट भी सुपरहिट रहे हैं, इसलिए इस फिल्म के जरिए सलमान खान एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कमबैक करना चाहते हैं। मेकर्स की तरफ से टाइगर 3 फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 को पैन इंडिया रिलीज किया जाना है, यानी कि टाइगर 3 फिल्म के रिलीज होने में बस अब 2 से 2.5 महीने का इंतजार बचा हुआ है। इसलिए बहुत ही जल्द फिल्म का टीजर देखने को मिलने वाला है, और मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर जितनी अपडेट्स आ रही हैं उनको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि फिल्म में हमें एक्शन हाई लेवल का देखने को मिलने वाला है। और वो होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार जो हैं, और फिल्म में खुद शाहरुख खान का कैमियो भी है, जिससे लोगों में एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। टाइगर 3 फिल्म का बजट भी 200 से 250 करोड़ के बीच का है। अब इतने बड़े बजट के साथ सलमान खान क्या लेकर आते हैं, ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा। बाकी दोस्तों बस कुछ ही दिनों का और इंतजार, इसके बाद हमें फिल्म देखने को मिल जाएगी, और नवंबर में रेडी रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।